और मैं अभी हूँ कर्तव्य पथ पे। बारिश का मौसम है और आज बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है और आप देख सकते हो यहाँ का मौसम देखो। एंड आज मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ आप देख सकते हो। तो इस बारिश के मौसम में यहाँ इस कर्तव्य पथ पे जो इन्वायरमेंट है उसको आप यहाँ आके फील करो ना तो ही पता चले, ठीक है। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है और यहाँ की जो खूबसूरती है उस पर चांद चार चांद और जोड़ देती है शोभा, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ कि यहाँ जो मिनिस्ट्रीज है वो किधर क्या है और कर्तव्य पथ क्या है, कर्तव्य पथ के कहाँ से कहाँ तक है और बाकी सब चीज़ें। तो अगर आपको नहीं पता है इस चीज़ का और आप जो है सीजीएल 23 से या सीजीएल 24 से या 25 से जो एसोसिएशन को टारगेट कर रहे हो तो आप जान लो कि आपकी मिनिस्ट्री कहाँ हो सकती है, लोकेशन कहाँ होती है, मेट्रो स्टेशन कहाँ कहाँ है। तो पूरा वीडियो देखना, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी और सारी मिनिस्ट्रीज कौन सी कहाँ हैं ये भी ऑलमोस्ट आप जान जाओगे। तो अब आगे की वीडियो में बने रहना, ठीक है। और जब जाओ तो चैनल सब्सक्राइब करके देना क्योंकि इसी तरह की यूजफुल वीडियोज हम और अभी आपके लिए लाते रहते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ भी, ठीक है। तो अब देखो आगे जो आपको सामने दिख रहा है वो इंडिया गेट है और इंडिया गेट के पीछे जो है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी आपको दिखेगी। देखिए आपको और दिखा दे, तो इंडिया गेट है और उसके पीछे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है, ठीक है। और ये वहाँ से लेके ये जो कर्तव्य पथ है शुरू होता है और फिर आपको यहाँ जो है दोनों साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड आपको पार्क दिखते हैं और बहुत खूबसूरती देते हैं ये पार्क इस जगह को, इस पथ को। तो ये जो कर्तव्य पथ है इसके दोनों साइड आपको ये पार्क दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से जब हम सीधे चलते जाते हैं तो अब आपको आगे लेके चलते हैं डायरेक्ट और फिर आगे दिखाते हैं कि कहाँ क्या है। तो अभी यहाँ से मिनिस्ट्री यहाँ नहीं है, जब हम आगे चलेंगे तो आपको मिनिस्ट्रीज भी देखने को मिलेगी। तो अभी ये कर्तव्य पथ शुरू हुआ है इंडिया गेट से और हम जा रहे हैं अब प्रेसिडेंट हाउस, जो सामने आप सीधी सड़क देख रहे हो ये जो सड़क जाएगी सीधी प्रेसिडेंट हाउस तक जाती है, ठीक है। सीधी रोड है और बीच में सिक्योरिटी सेफ्टी सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चला जाता है, हाँ। बट हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है वो जा सकते हैं क्योंकि नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में मिनिस्ट्रीज है तो हमारा कार्ड जो है वो सारी मिनिस्ट्रीज में काम करता है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा आगे और आपको दिखाते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्रीज किधर है, कौन सी रोड पे है और कितनी लोकेशन पे कहाँ क्या मेट्रो स्टेशन है। तो अब आगे बने रहना। तो ये आपको समझ में आया होगा कि ये जो रोड है सीधी इसमें राइट साइड में अगर हम जाते हैं तो इधर शास्त्री भवन और एक दो भवन और हैं जिनमें मिनिस्ट्रीज कई मिलती है आपको। सो गाइस जो आप देख रहे हो ये शास्त्री भवन है और इसके सामने ये रेल भवन है, ठीक है। ये रेल भवन है, रेल मिनिस्ट्री है यहाँ और यहाँ मेट्रो स्टेशन है, सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन। तो सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन यहाँ लगता है। तो अगर इधर के आसपास के जो मिनिस्ट्री वाले होते हैं वो सेंट्रल सेक्रेटरीट के मेट्रो स्टेशन से ही जो है वो जाते हैं, ठीक है, तो वही यूज़ करते हैं। तो ये आपको दिख गया होगा कि राइट साइड में ये सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन है, ठीक है। और यहाँ से जो आसपास के मिनिस्ट्री वाले हैं वो यहीं आके इस मेट्रो स्टेशन का यूज़ करते हैं और सामने जो है ये नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक इसी को सेंट्रल सेक्रेटरीट कहा जाता है। जब आप डायरेक्ट सीधा जाओगे तो आपको दिख रहा होगा वो है आप प्रेसिडेंट हाउस, जब बीचों बीच आप जा रहे हो डायरेक्ट तो प्रेसिडेंट हाउस है। जो राइट साइड में है वो नॉर्थ ब्लॉक है और जो लेफ्ट साइड में है साउथ ब्लॉक है। अभी ये कुछ मिनिस्ट्रीज यहाँ हैं और कुछ मिनिस्ट्रीज जो है इससे एक किलोमीटर के लेफ्ट साइड के एरिया में, वहाँ भी मैं कहूँगा आपको दिखाने के लिए सेंट्रल सेक्रेटरीट के ये जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है उनके पास। ये आपको जो दिख रही है ना यहाँ से ये न्यू संसद भवन है जो अभी बना है और इसके लेफ्ट साइड में आपको जो दिख रहा है वो ओल्ड वाला संसद भवन है। तो उसके जस्ट सटाकर ही एडजेसेंट ही ये न्यू संसद भवन आपको दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ से सीधा रास्ता है आगे को नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक का, तो आपको दिखाते हैं नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। तो ये जो दिख रही है इधर वाली बिल्डिंग ये नॉर्थ ब्लॉक है, ठीक है, और इसमें शायद अमचे की मिनिस्ट्री नॉर्थ ब्लॉक में ही है। और लेफ्ट साइड के जो दिख रहे हैं इधर आपको साउथ ब्लॉक दिखता है और इसमें जितनी मुझे लगता है या जानकारी है इधर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साउथ ब्लॉक में है और आप सीधा जाओगे तो ये प्रेसिडेंट हाउस तक रास्ता जाता है। तो आगे भी थोड़ा आपको लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे क्या मिनिस्ट्रीज है। सो आप यहाँ देख सकते हैं ये बैरिकेड लगे हुए थे और यहाँ से आम लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाता है, अगर आपके पास कार्ड हो तो ही आप अंदर आ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ का एनवायरनमेंट जो सीएसएस का रियल नेचर जाना जाता है, जो लोग जानते हैं कि सीएसएस है और वो इसी इलाकों के जानते हैं, ये सेंट्रल सेक्रेटरीट जिसको लोग जानते हैं, ये इधर न्यू संसद भवन, ओल्ड संसद भवन, ये नॉर्थ ब्लॉक और ये साउथ ब्लॉक, ये जाना जाता है कि रियल जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है जो सीएसएस का मेन पिलर है वो यही है। तो ये जगह जो है जहाँ का लोग ड्रीम लेके आते हैं, जो सीएसएस बनना चाहते हैं, एएसओ बनना चाहते हैं, तो यही ड्रीम यही जगह है वो जिसको देख के लोग आते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैं आपको पीक पे ले आया, सीएसएस की जो पीक है सेंट्रल सेक्रेटरीट नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक। तो आप यहाँ से देख लो एकदम क्लोजली, यू कैन जज कि हाँ सेंट्रल सेक्रेटरीट ये है। सो मैं आपको थोड़ा और क्लोजली लेके चलता हूँ, जो आप फोटोज़ देखते हैं ना सीएसएस की कि हाँ ये सीएसएस है, तो आपको थोड़ा और क्लोज लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि हाँ मेन जो सीएसएस है वहाँ से ऊपर जब आपको लेके चलूँगा और नीचे देखोगे आप तो आपको पता चलेगा कि यार दिस इज़ द एनवायरनमेंट और दिस इज़ द प्लेस, ठीक है। इसी जगह को देख के लोग डिजायर करते हैं कि मैं एसोसिएशन बनूं। मुझे लगता है कि वर्क प्रोफाइल से ज़्यादा लोग इस जगह को बहुत महत्व दे रहे हैं एसोसिएशन बनने के लिए। तो हाँ आपको जगह डेफिनेटली बहुत अच्छी है और यहाँ का जो वर्क प्लेस है वो रॉयल है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली इस जगह को देखिए, फील करिए, मोटिवेशन लीजिए कि आप भी अच्छी मेहनत करें और यहाँ
मतलब आने का आपको मिले, और ये जो आपको बैरिकेड दिखे यहाँ से आगे केवल हम लोग ही आ सकते हैं जो इम्प्लॉयज हैं, उसके अलावा बाकी लोग नहीं आ सकते। तो बाकी लोग घूमने आते हैं बट सेंट्रल सेक्रेटरीट अंदर तक नहीं देख सकते। सो थोड़ा ऊपर चलते हैं और आपको और दिखाता हूँ। देखो मेहनत बहुत लग रही है, तो वीडियो मैं भीगते हुए ही बना रहा हूँ, अभी बारिश हो रही है एंड। तो आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत डिस्टेंस भी तय करने पड़ी जैसे आपको दिख रहा है, और बारिश भी हो रही है तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है वैसे। सो ये मैं जा रहा हूँ ऊपर की ओर, यहाँ थोड़ा सा चढ़ाव है, यू कैन सी, अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ और सामने आपको वो दृश्य दिख रहा है जो आपने शॉर्ट्स में देखा होगा, जो आपने वीडियोज़ में देखा होगा कि यार दिस इज़ द सेंट्रल सेक्रेटरीट। तो ये है सेंट्रल सेक्रेटरीट, ये आपको साउथ ब्लॉक दिख रहा है और ये इधर की तरफ हम ऊपर जाएंगे तो आपको दिखेगा प्रेसिडेंट हाउस भी आपको थोड़ा बहुत दिख ही जाएगा। सो थोड़ा और ऊपर चलते हैं। सो अब देख लीजिए यही है नॉर्थ ब्लॉक, तो ये नॉर्थ ब्लॉक है और अब एकदम फ्रंट एरिया में है हम नॉर्थ ब्लॉक के। तो ये नॉर्थ ब्लॉक है ठीक है, और ये साउथ ब्लॉक है। तो और सामने जाओगे आप तो प्रेसिडेंट हाउस आपको दिखेगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ तक की जर्नी समझ में आई होगी। अब कुछ और मिनिस्ट्रीज हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। सो आपने सेंट्रल सेक्रेटरीट देखा ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ और मिनिस्ट्रीज हैं जो सेंट्रल सेक्रेटरीट से, और जो मैंने आपको बताया था उधर शास्त्री भवन और उधर का जो रास्ता बताया था उससे जस्ट सामने जो है रास्ता जाता है उस पर उद्योग भवन, निर्माण भवन और अम्बी की बिल्डिंग भी आपको देखने में मिलती है, तो वो भी आपको दिखा देते हैं लगे हाथ, क्योंकि हाँ वीडियो बन रहा है तो सारी मिनिस्ट्रीज को ऑलमोस्ट कवर कर लेगा कि किधर किधर हो सकती है। DOPT भी इधर ही है, ये जो सेंट्रल सेक्रेटरीट उसी में है ठीक है। तो अगर आपका डाउट हो कि DOPT और DOPT की कुछ ब्रांचेज है वो अलग अलग खान मार्केट में भी है, उधर आरकेपुरम में भी है ठीक है। तो अब हम चलते हैं उद्योग भवन और जो है निर्माण भवन और अम्बी की बिल्डिंग है जवाहरलाल नेहरू भवन, आपने देखा कर्तव्य पथ के और सेंट्रल सेक्रेटरीट के बाद अब हम लेफ्ट साइड में चलते हैं और इधर इस रास्ते पर भी कुछ मिनिस्ट्रीज हैं वो हम आपको दिखाते हैं ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये एयर भवन है जिसमें AFHQ के थ्रू जो MTS आते हैं, जो ASO आते हैं, उनकी भी रिक्रूटमेंट होती है AFHQ, और कुछ जो है वो मिलिट्री से या जो भी डिफेंस से रिलेटेड बंदे जो हैं वहाँ आपको इसमें मिलते हैं एयरफोर्स के। तो ये है एयर भवन, और इधर की तरफ जो आपको दिख रहा है ये देखो ये है उद्योग भवन। तो उद्योग भवन ये है ठीक है, और इधर ये पार्क आपको दिख रहे हैं, थोड़ा यहाँ आगे चलते हैं जी। तो ये है उद्योग भवन और ये इधर पार्क के सटाकर उद्योग भवन है, अब आगे चलेंगे थोड़ा तो निर्माण भवन होगा। सो ये उद्योग भवन है और ये उद्योग भवन का एंट्री गेट है, क्योंकि आज संडे है तो ये गेट खुला नहीं है, कोई दूसरा गेट खुला होगा। और ये उद्योग भवन, ये इधर का आपका एयर भवन। अब और थोड़ा आगे चलेंगे तो एक दो और भवन है, ये है हमारा उद्योग भवन का मेट्रो स्टेशन ठीक है। और अब यहाँ ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये उद्योग भवन, अब थोड़ा सा आगे चलेंगे एंड आपको दिखेगा निर्माण भवन। देखिए ये जो उद्योग भवन है इसमें कई सारे मिनिस्ट्रीज हैं ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक दो मिनिस्ट्री एक भवन में, एक दो मिनिस्ट्री होती है एक भवन में, 8-10-15 मिनिस्ट्री तक होती है ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा इस्पात मंत्रालय लिखा हुआ, तो ये उद्योग भवन में कई सारे मिनिस्ट्रीज हैं। तो ये जो है वो आपके पास निर्माण भवन है ठीक है, निर्माण भवन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, अर्बन अफेयर्स, पावर, CPWD ये यहाँ है। और इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आपको आता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसकी एक बिल्डिंग। हम ये कि कई सारी बिल्डिंग्स है तो अलग अलग लोकेशन पे है, बट एक बिल्डिंग जो है वो यहाँ है, उद्योग भवन, निर्माण भवन और फिर अम्बी। तो ये निर्माण भवन और इसके आगे जो बिल्डिंग आएगी वो अम्बी की आएगी। सो वो भी अब लास्ट हमारी ऑलमोस्ट रही है, इसके बाद में आपको बताएंगे कि जो UPSC है, जो आपके साथ कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो किधर है। तो ये तो निर्माण भवन है, इसके आगे चल रहे हैं थोड़ा सा तो आपके पास। सो ये जो बिल्डिंग है वो आप देख कर ही पहचान गए होंगे, आपने बहुत सारे फोटोज में देखा होगा ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा विदेश मंत्रालय, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गेट है। तो जो ड्रीम है वो मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं, जो ड्रीम आप CSS सेंट्रल सेक्रेटरीट के MHA के देखते हो, जो आप ड्रीम देखते हो अम्बी के, जो आप UPSC का अगर ड्रीम देखते हो तो UPSC की जो मिनिस्ट्री है वो देखो इस, आप जो सीधा रास्ता जा रहा है इस सीधे रास्ते पे है, UPSC की थोड़ी दूर है यहाँ से 500 या ये मान सकते हो 1 किलोमीटर दूर, तो मान सकते हो UPSC की मिनिस्ट्री यहाँ से डायरेक्ट सीधा रास्ता जाता है उस पर, तो वो थोड़ी हटके वहाँ मेट्रो स्टेशन के लिए आपको थोड़ा ऑटो से आके आना पड़ता है, थोड़ा डिस्टेंस पड़ता है। बट यहाँ आपको आपने देखा कि अम्बी निर्माण भवन, उद्योग भवन, इनके लिए उद्योग मेट्रो स्टेशन है उद्योग भवन, उधर सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन था, तो उतनी दिक्कत आती नहीं है। तो ये है अम्बी की बिल्डिंग ठीक है।
और आगे सीधा जाएंगे तो UPSC, और उधर मैंने आपको दिखाया निर्माण भवन उद्योग भवन, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपके ड्रीम जो हैं मैंने सारे आपको दिखाए, ड्रीम प्लेस। आप सोचते हो कि मैं इस मिनिस्ट्री में जाऊँ या MEA में जाऊँ, तो वो सारे ड्रीम मैंने आपको आज दिखाने की कोशिश की। बस ये था आज के वीडियो में। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारा का वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और बहुत मोटिवेटेड लगा होगा। आपको मोटिवेशन आया होगा कि हाँ यार मैं भी सिलेक्ट हूँ और वहाँ जाऊँ। सो उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी एंड आप उसको सराहेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएंगे और कमेंट करना कौन सी मिनिस्ट्री आपकी चॉइस है, आप किस मिनिस्ट्री में जाना चाहते हो, आपका क्या टारगेट है, एम है CSS में कि आप किस मिनिस्ट्री में काम करो, या MEA है, UPSC है, MHA है, हेल्थ है मिनिस्ट्री, तो कौन सा आपका टारगेट है वो कमेंट करके बताना। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताना। कोई और आपका क्वेरी हो तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बाय बाय दोस्तों।